चीख चीख कर बताऊंगी सबको कि तुम्हारी असलियत क्या है। आज तो मैं माफ नहीं करूंगी। नानी, अम्मी, अम्मी, सुभान, भूपी जान, आओ सब, प्लीज जल्दी आओ। क्या हुआ है इबादत? इबू, क्या हुआ बेटा? अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हो गया इबादत, दीवानी हो गई होगी, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ है इबादत, सब ठीक है ना? इबू बोलो क्या हुआ है? अम्मी, मैंने खुद से वादा किया था अम्मी कि अपनी बहन के दामन पे लगे हुए दाग मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, पर आज इसने मुझे मजबूर कर दिया है। अम्मी, जिसने सारी हदें पार कर ली है, जिसने मेरा भरोसा तोड़ा है, भरोसे का खून कर दिया है अम्मी, नानी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही थी नानी अम्मी, जब तक ये मन्नत इस घर में रहेगी ना, मेरे और सुभान के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी नानी अम्मी, ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मन्नत इस घर में नहीं रह सकती। इतना सख्त लहजा, ऐसा क्या किया है मन्नत ने? बोलो इबू। अरे कुछ बोलोगी भी इबादत, बुद्ध बन के क्यों खड़ी हो? क्या किया है मन्नत ने? बुआ भाभी पूछ रही है, बोलो। अरे कुछ तो बोलना है इबादत। कैसे बोलूं, क्या बताऊं, इसने जो किया है ना, बयां करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तुम्हारी हजारों गलतियां हम माफ कर चुके हैं, इस बार कौन सी गलती की बोलो, बोलो। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। ये किस बारे में बात कर रही है, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। देखो मन्नत, तुम इबादत बस करो यार, क्या कर रही हो तुम? ऐसी क्या बात हो गई कि सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया? तुम्हें पता ना ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, ये सब छोड़ो, चलो। नहीं सुभान, जब तक मैं इस घर की गंदगी को साफ नहीं कर देती हम कहीं नहीं जाएंगे। I'm sorry कि मैं इस लेवल के वर्ड्स यूज कर रही हूं, पर आज फैसला होकर रहेगा। कैसा फैसला और किया क्या मन्नत है? इबादत क्या हुआ है, सच सच बताओ, बेझिझक होकर बोलो कि क्या हुआ है, बोलो इबादत। ये क्या क्या कर सकती है हम सब जानते हैं। इबू बेटा तू बेफिक्र होकर बोल, बता क्या किया है इसने। हाँ बोलो। हाँ हाँ बताओ क्या किया, क्या है मन्नत ने? हाँ हाँ अभी बताओ। मुझसे मेरे शोहर को छीनना चाहती है ये। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है, पर आप सबका ये जानना जरूरी है
कि ये सुभान के बारे में क्या सोचती है। इसने अपने सीने पर सुभान के नाम का टैटू कराया है। सीने पे किसी का नाम गुदवाना, इसका मतलब क्या होता है ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। झूठ है ये, ये सब झूठ है। हाँ, मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। अम्मी, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इबादत और जुबान का निकाह हो गया है। मैंने खुद जुबान को टुकराने का गुनाह किया था, मैं जानती हूँ। ऐसा क्यों करूंगी अम्मी? तुम पागल हो गई हो इबादत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की? तुम्हें इबादत पर हाथ उठाने की जुर्रत मत करना मन्नत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या सच है और क्या झूठ है इसका फैसला भी हो जाएगा। इसे कमरे में लेकर चलते हैं और वहां देखते हैं कि इसने ऐसा कुछ किया है या नहीं। चल दुआ। नानी अम्मी प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। चल मेरे साथ। छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी, अम्मी प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़िए, प्लीज छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया। Are you sure कि मन्नत ने हरकत की है? I am very sure, सुभान, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मन्नत की हरकतें क्या है, वो क्या कर सकती है क्या नहीं। जानबूझ के वो स्कूल से गिरना, तुम्हारी बाहों में आकर गिरना, जबरदस्ती बाथरूम में घुस जाना, ये सब क्या था सुभान? और फिर मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि सबके सामने इतनी बड़ी बात बोल दूंगी सिर्फ मेरी बहन को जलील करने के लिए। ये कहने का वो मतलब नहीं था। सुभान, मन्नत ने गलतियां की है पर मैंने कभी उस पे इल्जाम नहीं लगाया। इनफैक्ट मैं तो सबको कहती थी कि मन्नत से नाराज मत रहो, रूठो मत, क्योंकि वो गलत हो सकती है पर गुनहगार नहीं। पर आज मन्नत ने मुझे गलत साबित कर दिया है सुभान। आज जो हरकत उसने की है ना, वो दुनिया की कोई भी औरत, कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।